क्लास 10 इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में इस बार जो शासन की ओर से कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो इंग्लिश रीडर में यहाँ पर मैं आपको चैप्टर्स के नाम दे रही हूँ। इसमें जिस चैप्टर के नाम के आगे क्रॉस लगा है तो वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे सेक्शन ए इंग्लिश रीडर में 6 चैप्टर हैं, तो इसमें टॉर्च बियरर्स और इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ये आपको नहीं पढ़ना है। पोएट्री सेक्शन में एक पोयम है द नेशन बिल्डर्स, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। और सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें भी जो थर्ड चैप्टर है माइग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये भी नहीं पढ़ना है। इंग्लिश रीडर में जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पुल, आज हम लोग बच्चों इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मैं इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्लियर कर दूँ। इंचेंटेड, इंचेंटेड का मतलब होता है मायावी या जादुई। इस समय जो लेसन आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये इंचेंटेड पूल चैप्टर, इसका जो थीम लिया गया है वो महाभारत से है। इस लेसन में आप देखेंगे कि महाभारत में जो पांडव थे, पांडव में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में ही बताया गया है। उनका चरित्र, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, दयालुता थी, धैर्य था, और उनका उनके भाइयों के प्रति जो प्रेम था उसके विषय में इसमें बताया गया है। और उनकी इस सारे गुणों की परीक्षा लेने के लिए यक्ष, यक्ष कौन थे, यम थे, यम यानी जो मृत्यु के देवता हैं वो ही यक्ष का रूप लेकर के आते हैं और युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर उन प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देते हैं और उनसे वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहली लाइन देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एंजाइटी एंड थर्स्ट चिंता और प्यास से। युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास से इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्चिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। सब्जेक्टेड टू यानी अधीन हो जाना, प्रभाव में आ जाना, कर्स मीन्स शाप, अभिशाप। वॉन्डरिंग इधर उधर भटकना, घूमना, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में। अब इसका पूरा अर्थ एक साथ देखिए, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं ये कि क्या वे लोग किसी शाप के अधीन हो गए हैं या क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या मृत्यु उनकी हो गई है। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ होने पर, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग तीव्र, और बहुत अधिक प्यास लगने के कारण ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने अपने भाइयों की तलाश करने के लिए विचार बना लिया और चल पड़े इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उन्हें खोज सकें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैप्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, टू गो फॉरवर्ड। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वे चलते रहे कहाँ, थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, मतलब ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालू से भरे हुए क्षेत्र से वे गुजरे। और उन्हें वहाँ क्या क्या रास्ते में मिला, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरण, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़ी बड़ी जंगली चिड़िया, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। और वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ स्वच्छ पानी के तालाब के पास एक
सुंदर हरे चारागाह के पास नहीं पहुंच गए। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को लाइंग देयर वहां पड़े देखा, कैसे लाइक फ्लैग पोल्स, ध्वज के किसी स्तंभ की तरह, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीव, और अपने वे दुख को रोक पाने में, कष्ट को सह पाने में असमर्थ हो गए। एंड ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो तेज आवाज में रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने अपने भाइयों भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और वे इस समय इतने शांत, इतने स्थिर पड़े हुए थे। एंड मॉर्न, और ये देख करके युधिष्ठिर रो पड़े। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वोज मीन्स प्रतिज्ञा। अब युधिष्ठिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या हम लोगों की सारी प्रतिज्ञाओं का यहीं पर अंत हो गया? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा एग्जाइल मीन्स वनवास इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझे छोड़ गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून, ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि ईश्वर भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। उनके शक्तिशाली लिम्स मीन्स अंग प्रत्यंग, उनके शक्तिशाली अंगों को देखकर जो कि नाउ सो हेल्पलेस, जो एकदम असहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुख के साथ आश्चर्य किया, क्या हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जिसने इन्हें मारा है। ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और वो भी डिसेंडेड मीन्स नीचे उतरे, पूल मीन्स तालाब में, और वो भी तीव्र प्यास लगने के कारण ड्रॉन मीन्स लेने के लिए, पानी लेने के लिए तालाब में नीचे उतरे। एट वंस तुरंत द वॉइस विदाउट फॉर वॉर्न, एक आवाज जो बिना किसी फॉर्म आकृति की थी, कोई आकार नहीं थी, कोई रूपरेखा नहीं थी, उसने उस आवाज ने उन्हें वॉर्न किया, चेतावनी दिया। आज के लिए बस अब इतना ही, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।